गुड मॉर्निंग। सो आज बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक इशू की। काफी कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो अगेन आई थॉट कि मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो बना दूं सबके लिए और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन या अपना फैसला ले सके। सो इट इज अबाउट इटली ऑप्शन फॉर MBBS, और प्लीज मार्क माई वर्ड, दिस इज फॉर MBBS इटली, राइट? देन देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ स्टडी इन इटली। नाउ बिफोर स्पेंडिंग इट, एंड अगेन आई डोंट वॉन्ट टू बी रिपीटेटिव, इटली के बारे में बताता हूँ। आप इस चैनल के पुराने वीडियो सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि द वे वी सेग्रीगेट, और हम समझाते हैं कि किस कोर्स के लिए आपको कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, और वो एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, प्रॉपर एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं भी चलती है। तो MBBS इटली की बात अगर मैं करूँ तो देखिए, इटली जब आप सुनेंगे लोगों से या समाज में सुनेंगे तो आप फ्री एजुकेशन से इटली को एसोसिएट करेंगे, इटली, जर्मनी, जो ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग विच मीन्स आपका कोई आप लोकल कंसल्टेंट अगर ये बोल रहा है कि आप इटली जाके इटालियन सीख लोगे या जर्मनी जाके जर्मन सीख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और मैं हमेशा जो अपने MBBS इंडिया के वीडियोज में मैं बताता हूँ, आप लोग बहुत पसंद भी करते हो कि नॉर्थ इंडियन के लिए कैसे मुश्किल है तमिलनाडु के, केरला के इंटीरियर्स में जाके सर्वाइव करना बिकॉज ऑफ द फूड एंड द लैंग्वेज इशू। सो वो जो आप डिफरेंशिएट या डिफरेंस महसूस करते हैं, आप में से जितने भी लोगों ने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस करा और हमें फोन करके हमारे वीडियोज में कमेंट करके बताया कि सर आपका बात बिल्कुल ठीक थी, हम एडमिशन कराने केरला के एक इंटीरियर में गए, इंटीरियर मतलब बियॉन्ड त्रिवेंद्रम, बियॉन्ड कोची, बियॉन्ड कोझिकोड, जो तीन चार मेट्रो सिटीज हैं, एंड वी रियलाइज द सेम थिंग जो आप बात कर रहे थे। तो जो केरला हो गया नॉर्थ इंडियन के लिए या नॉर्थ इंडिया हो गया केरलाइट के लिए, वही हम इंडियंस के लिए इटली है, जर्मनी है, उस देश की भाषा। ठीक है, खाने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि फर्क होता है, आप बचपन सुनते आ रहे हो ना कॉन्टिनेंटल फूड, तो जनरली लोगों का खाना कम मसालों का होता है। चलो वो तो फिर भी आप यहां से मसालों के डब्बे लेके काम चला लोगे, पर जिस तरह केरला के इंटीरियर में लोग सिर्फ मलयालम बोलते हैं, इसलिए जो इटली की लोकल पॉपुलेशन है वो सिर्फ इटालियन बोलती है, जो जर्मनी की लोकल पॉपुलेशन है वो सिर्फ जर्मन बोलती है। और इसका अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा अगर आपको जो इंटरनेशनल मैच देखो, कभी लॉन टेनिस का गेम देखो जिसमें इन देशों के प्लेयर्स होते हैं, तो दे कैन नॉट गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश। ये सब मैंने क्यों बताया, तो इटली इज ए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, लेकिन डेफिनेटली वहां पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रॉपर एंड टू एंड इंग्लिश में पढ़ा रही है। वंस अगेन, जैसे हमारे केरला और तमिलनाडु के कॉलेज या आंध्रा के कॉलेज आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं इन द लेक्चर रूम, बट प्रॉब्लम आती है वंस यू आर आउट ऑफ लेक्चर रूम, राइट? फिर आपको लोकल लोगों से डील करना है, बात करनी है, और फिर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इटली में भी यही होगा। फिर भी मैं इटली के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और पहले वो क्लैरिफाई करता हूँ। इटली फेमस हुआ फ्री एजुकेशन के लिए, बट ये फ्री एजुकेशन क्या है अभी समझिए, स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन जर्मनी एंड इटली। इटली की फ्री एजुकेशन इज नॉट ऑन मेरिट, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में स्कॉलरशिप की बात करते हैं, हमें US की स्कॉलरशिप मिली, कनाडा की मिली, ऑस्ट्रेलिया की मिली, UK की मिली, जो हम दिलवाते हैं, जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं स्टडी अब्रॉड वाला, वो स्कॉलरशिप हमेशा मैं बच्चों से समझाता हूँ कि दैट इज ऑन योर मेरिट, दैट इज ऑन योर प्रोफाइल। तो आप में से कोई स्टूडेंट हमारे पास आया जो टेंथ में, जैसे ट्वेल्थ के बाद आप जा रहे हो, टेंथ इलेवंथ में 95% मार्क्स हैं, NTSC गोल्ड मेडलिस्ट, मैथ्स ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, फिर आप जाते हो ऑन ए मेरिटोरियस स्कॉलरशिप। इटली की स्कॉलरशिप्स आर ऑन चैरिटी, इस शब्द को समझिए। इटली की स्कॉलरशिप्स इसलिए मिली, इसलिए वो इटली की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे रही है आपको। आपको पहले एडमिशन लेटर मिलता है, उस लेटर में आपकी पूरी फीस लिखी हुई है, वो फीस बहुत नॉमिनल है। इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस अराउंड 5 लाख पर ईयर है। फिर हम एक तरह से हम भी कंसल्टेंट हैं इटली के भी, हम वहां की लोकल NGO से कॉन्टेक्ट करते हैं जिनके पास गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं टू गिव चैरिटी। और बेसिकली जो हम लोग जा रहे हैं, हमें जो स्कॉलरशिप मिल रही है, वो स्कॉलरशिप ना कह के समझने की भाषा में आप उसे चैरिटी समझिए। और इसलिए जो पेपर्स होते हैं ना इटली वीजा के, उसमें पेपर होता है नो एसेट डिक्लेरेशन, कि मेरे पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास लो इनकम सर्टिफिकेट 20,000 पर मंथ, 2.5 लाख साल से कम की इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम गरीब इंसान है फ्रॉम अ गरीब कंट्री, और इटली चूंकि डेवलप्ड नेशन है वो हमें चैरिटी से पढ़ा रहा है, और उसी चैरिटी से फिर हमें खाने पीने का भी अलग से चैरिटी या स्कॉलरशिप मिल जाते हैं जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं।
पर आप फर्क समझिए, समझ गए ना? तो ये यूएस यूके की मेरिटोरियस स्कॉलरशिप नहीं है, ये इटली की चैरिटी स्कॉलरशिप है। तो आपको मिली ही स्कॉलरशिप चैरिटी पे है, तो जो आपने पेपर्स बनाए हैं वो सारे चैरिटी के हिसाब से बनाए हैं। अब चैरिटी इज ऑलवेज ऑप्शनल, तो इटली की यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया, किसी एनजीओ ने आपको स्कॉलरशिप दी। अब जब वीजा के लिए आपकी फाइल जाती है तो वीजा लगे या ना लगे, एक्चुअली जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है 70% वीजा रिजेक्शन है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि वीजा वाला तो आपको चैरिटी वाला वीजा दे रहा है ना। अब फिर से मैं फर्क आता, जहां तक कॉमन बात होगी स्टडी इटली की, अब एमबीबीएस इटली की बात करते हैं कि आपको एमबीबीएस इटली में फिर भी मेरे हिसाब से अच्छी ऑप्शन क्यों है। और नॉन एमबीबीएस, जो आपने मेरे पुराने वीडियो सुने होंगे कि मैं हमेशा एजुकेशन को दो भागों में बांटता हूँ, एमबीबीएस और नॉन एमबीबीएस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में भी। प्लीज अंडरस्टैंड, एमबीबीएस ऑस्ट्रेलिया 3 करोड़, एमबीबीएस यूके 3 करोड़, एमबीए ऑस्ट्रेलिया 50 लाख, एमबीए यूके 30 लाख, बीटेक यूके 80 लाख, बीटेक ऑस्ट्रेलिया 70 लाख, बट एमबीबीएस 3 करोड़। तो जिस तरह एमबीबीएस यूनिक इंडिया में, ऐसे पूरे ग्लोब में और ऐसे इटली के लिए भी हो गया। फंडे सेम थे इटली के, तो ऑफकोर्स पहले समझाता हूँ कि कैसे करना है आपको एमबीबीएस। तो जैसे हम नॉन एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे आप हम अप्लाई करेंगे, आप खुद कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, वो ओपन हो चुका है। लेकिन एमबीबीएस के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो नॉन एमबीबीएस कोर्सेज में भी एक दो एग्जाम है। इस एग्जाम का नाम है आईमैट, आईएमएटी। थैंकफुली उसका एक सेंटर इंडिया में भी पड़ता है, न्यू दिल्ली में। पेन एंड पेपर एग्जाम होता है, दैट मीन्स आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, बहुत लिमिटेड सीटें होती है। तो जब जुलाई में रजिस्ट्रेशन खुलता है तो एक दिन में खत्म हो जाता है, तो आपको वो डेट ट्रैक रखनी है। अदरवाइज आप अगर हमारे क्लाइंट बनते हैं तो हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर वो डेट मिस हो जाती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो काफी बच्चे इटली जाके वो एग्जाम लेकर आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने एग्जाम लिखा, आपको एग्जाम में फिर से बेसिक मार्क्स लेकर आने हैं, लाइक एनमेट ऑफ फिलीपींस, और आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। अब जो मैं फर्क आता हूँ कि क्या आपको एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप रूट में जाना चाहिए, देखिए पूरी फीस देकर भी, क्योंकि वह फीस ही 5 लाख पर ईयर है, रहना खाना रूट भी अनदर 6-7 लाख पर ईयर, 6 साल का कोर्स है तो भी आपके 70 लाख में एमबीबीएस हो जाएगी फ्रॉम अ वर्ल्ड ग्रेट इंस्टीट्यूट। ऑफकोर्स आपको लोकल लैंग्वेज फिर भी वहां जाके जल्दी से पिकअप करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट जैसे ग्रेट डेवलप्ड नेशन बट नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, तो 70 लाख में यू कैन गेट ग्रेट एजुकेशन, ठीक है। फिर एक बार बच्चा वहां पहुंच के आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब पर टाइम निकाल लोगे, तो आप इस 70 लाख को गिरा के 30-35 लाख पर भी आ सकते हो। साल के 6-7 लाख पार्ट टाइम जॉब से कमाना बहुत आसान है। दूसरा रूट है स्कॉलरशिप वाला, जिसमें वीजा का चांस 30% रह जाता है, नॉन चैरिटी वाले रूट में वीजा का चांस 95% है, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट लेना चाहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, डेफिनेटली अगर आपको इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आप क्यों बाहर जाओगे। इफ यू कैन अफोर्ड इंडियन प्राइवेट इजीली तो भी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और आप रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, देन यू कैन टेक द स्कॉलरशिप वाला रूट फॉर इटली। टेक योर चांस, वीजा रिजेक्ट हो भी गया तो भी आप इन सब कंट्री में बाद में जा ही सकते हैं। टाइमिंग ऐसे बन रही है कि जुलाई में नीट है, जुलाई सितंबर में हो जाएगा ये आईमैट, जिसका रिजल्ट हाथ किया जाता है, और आपको अक्टूबर तक पता चल जाएगा कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इटली में, और वहां नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस सेटअप हो जाएगी। अगर मैं 2022 सेशन की बात करूं तो इस समय आप नीट की तैयारी करते रहिए, जो बच्चे हैं कंसल्टेंट को हायर करके आप इटली की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आईमैट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन कोशिश करें इंडिया की, आईमैट में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, चांस लीजिए। नीट की तैयारी आपकी है ही, इस तैयारी के बेसिस पर आप पेपर में बैठिए। पेपर में बैठ लिए, पेपर क्लियर हो गया, पहले तो आपको देखिए फीस वाले लेटर आएगा ना, एंड देन यू कैन डिसाइड कि वेदर यू हैव टू गो फॉर स्कॉलरशिप रूट और नॉन स्कॉलरशिप रूट, लुकिंग एट दी सर्कमस्टांसेस एट दैट मोमेंट। सो दैट वुड बी माय एडवाइस टू पीपल जो एमबीबीएस इटली का सोच रहे हैं। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी मदद चाहिए, यू कैन कॉल अवर नंबर 9643362320। जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए इट्स अ वेरी स्पेशलाइज काउंसलिंग, इट्स अ वेरी स्पेशलाइज प्रोडक्ट। तो आपको ऑल डिटेल बताने के लिए वी विल चार्ज अवर नॉमिनल फी ऑफ 5000 रुपीज, जिसमें आपको बेसिक सारा डिटेल बताएंगे
और फिर आप हमसे अगर काम कराते हैं तो जो भी हमारा इटली एमबीबीएस इटली में आपकी हेल्प करने की चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक जो लोग एमबीबीएस इटली के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमें कॉन्टेक्ट करना चाहता है हमारे ऑल इंडिया नंबर 9643362320 पे कॉल कर सकता है। धन्यवाद।